फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है माई यूट्यूब चैनल आसिफ अल ज्ञान में। आज फिर आ गए हूँ मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके, एक न्यू टॉपिक। आज मैं बताने वाला हूँ कि गुड़ कैसे तैयार किया जाता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दे ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। चलिए आज मैं बताऊँगा आपको कि गुड़ कैसे तैयार किया जाता है, पूरी जानकारी दूँगा, दिखाएंगे आपको कि गन्ना कैसे तैयार किया जाता है। क्या हो रहा है ये बताऊँगा आप? ये है कलेक्टर। अच्छा, जिससे कि हमारा गुड़ गन्ना इसमें पेय पेला जाता है, तो यहाँ से रस निकाल के वहाँ बर्फी पे वहाँ पकाया जाता है। अच्छा, इसे गुड़ मीठा चीनी शक्कर ये सब बनता है। अच्छा, आपके यहाँ कंप्लीट तैयार होता है? जी सर। तो आप हमें दिखाएंगे? जी हाँ, जरूर। चलिए अब चलते हैं। यहाँ पे ये गन्ने हैं, ये यहाँ पे गन्ने। अच्छा, ये गन्ने दे रहे हो आप इसमें मशीन में? जी सर। इस मशीन का नाम क्या है? कलेसर। कलेसर, अच्छा अच्छा। और ये रस निकल के जहाँ कहाँ आना है? ये रस निकल के यहाँ से ऐसे जा रहा है, ये पाइप लगा हुआ है। अच्छा, ये रस निकल रहा है? जी, ये रस निकल रहा है। ये पाइप लगा के यहाँ से ऐसे वहाँ ओहदी में है। अच्छा, यहाँ से पाइप में वहाँ तक जाएगा। अच्छा, आगे उनकी दूसरी कार्रवाई होती है। चलो देख, ठीक है, थैंक यू। अब हम आगे दिखाएंगे आपको। देखो रस जा रहा है, ये पाइप जो जा रहा है यही रस का पाइप है। तो आराम से। अच्छा, पहले यहाँ आता है? हाँ, ये उधर से मोटू में से निकल कर रस यहाँ आता है। रस पहले ये देखिए आप, ये रस है, फिर कढ़ाई में पकता है, फिर वहाँ तैयार होता है। देखिए आप इस तरीके दिखा देता हूँ। ये रस है गन्ने का और ये गाब है, जो गन्ने की गाब होती है उसके, और इसमें पकाया जा रहा है। इसके नीचे आग लगी हुई है इसलिए ये पकाया रस, देख सकते हो आप। ये देखिए पकाया रस और ये पकड़ा है। ये देखिए ये पक्के वहाँ जाया जा रहा है। आगे लेके चलते हैं। देखिए अब मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। अच्छा, आप यहाँ कितना आगे पूछ लेते हैं? चलिए आगे चलते हैं हम। ये वहाँ से रस पक्के यहाँ आ रहा है और यहाँ के गुड़ बनता है। देखिए आप, अच्छा भाई क्या कर रहे हो आप? ये गुड़ बना रहे हो? कितना टाइम हो गया आपके यहाँ चलते हुए? बस हैं 15 साल। अच्छा, तो क्या क्या तैयार होता है आपके यहाँ? हाँ, दारू भी बनती है। क्या चीज़? दारू। दारू भी बनती है। और ये क्या है? ये शक्कर बनेगी या गुड़ बनेगा? अच्छा, ये गुड़ बनेगा। देखो ये देख सकते हो आप भाई, ये पूरा मैंने दिखाया है आपको, ये गुड़ बनना है। ये देखिए, ये है गुड़, ये भी ठंडा हो गया, इसके ये टुकड़े करके बना दिए जाएंगे। तुम्हारा काम क्या है भाई? आपका काम? पेड़ी दाल। अच्छा, पेड़े दाल तो आप बना दो। देखिए बना रहे हैं भाई गुड़, ये ओरिजिनल और देसी गुड़ है। ये देखिए भाई बना के छोटे छोटे टुकड़े रखे कर रहा है, लड्डू रख रहा है यहाँ पे। चाचा से भी कर लेगा बारे में। ये देखिए, ये इधर का लिया, ये यहाँ पे बन के तैयार हो गया है। ये देखिए गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े देख सकते हो आप, काफ़ी और अच्छा लग रहा है। ये मसाले वाला भी नहीं, देसी गुड़ है। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर मार्केट में मसाले का गुड़ दिया जाता है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा गुड़ है, वो देसी गुड़ है। ये देखिए आप, यहाँ तैयार किया जाता है गुड़, देख सकते हो आप।
ये गुड़ का मार्केट में जाता है फिर इनसे बात करते हैं। अच्छा आप ये गुड़ तैयार करके कहाँ देते हो आप? बड़ौत मंडी में। बड़ौत मंडी में, अच्छा ये और बताओ आप धड़ी के हिसाब से देते हो या किलो के हिसाब से देते हो, कैसे मतलब काम भी कितने से सेल करते हो? क्विंटल के हिसाब से 11 क्विंटल के हिसाब से 4,000 रुपये क्विंटल। 4,000 रुपये क्विंटल जाता है आपके पास? अच्छा चलो अच्छी बात है। अच्छा चाचा ये जो आपके यहाँ पे ये जो मैली का क्या करते हैं आप, वो भी किसी काम में आ जाती है? नहीं दिखती है। वो किस काम में आती है चाचा? हम तो ज़्यादातर डंगरों को पाल लगे भैंस वाले जी। अच्छा इसका जो है गन्ने का जैसे ये कोल्लू में से निकल कर आता है, इसके लिए जैसे गुड़ी बनता है या वो कुछ और भी, चीनी वगैरह या शक्कर वगैरह? शक्कर भी बनती है और चीनी खांड भी बनती है। खांड भी बनती है, वही मैं आपसे मालूम कर रहा था। नहीं खांड तो आपके यहाँ खांड तो बनती नहीं होगी या बनती है? अच्छा उधर बनती है। चलो ये हमारे चाचा खा के चेक कर रहे हैं कि कैसे है। मैं चेक कर रहा हूँ। तो कैसा लग रहा है तुम्हें गुड़? बेहतरीन। अच्छा लग रहा है? गांव के सबसे बेहतरीन मिठाई है ये। अच्छा इसे बोलते हैं गुड़, बेहतरीन मिठाई है। तो कैसा लग रहा है तुम्हें खा के? बेहतरीन लग रहा है, आप भी कभी स्वाद लेके देखो इसका। अच्छा गाँव का गुड़ अच्छा लग रहा है तुम्हें या बाहर मार्केट के जो जाता है वो गुड़ वो अच्छा लगता है? गाँव का ही गुड़ जो ताज़ा बना हुआ वो सबसे बेहतर होता है। अच्छा जो सबसे यहाँ बना होता है वो सबसे बेहतर होता है। भाई मार्केट में जाएगा वो तो हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीने 2 महीने पुराना हो जाता है, बाकी ये तो हाथों हाथ ताज़ा बनना है। उधर दिखाओ जरा, ये देखिए ये वहाँ से चाचा ने गुड़ उठाया और खाया और ये देखिए ये ताज़ा क्या बनाया जा रहा है। ये गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े बना के रखे जा रहे हैं पीस, और ये भाई बना रहे हैं। ये मैंने आपको भट्टी भी दिखाई अभी। ये है भट्टी जहाँ पे गुड़ पकाया जाता है, ये रस है फिर पक्के में जा रहा है ये रस और फिर दूसरे में जाता है और वहाँ से हो गया। ये देखिए ये यहाँ से होता हुआ ये यहाँ आ जाता है। अभी तैयार करें भाई। भाई मैंने टेस्ट किया है गुड़ तो मेरे को तो अच्छा लगा, मैं तो ले रहा हूँ अपने लिए 2.5 किलो गुड़ ले रहा हूँ। कितने रुपए का ले रहे हो आप? मैं 100 रुपए का ले रहा हूँ। 100 रुपए का आपको अच्छा लगा इसलिए ले रहे हो आप? बेहतरीन लगा, बढ़िया लगा। अच्छी बात, चलिए दीवा खा लो, दिल्ली की शहरों की मिठाई खा लो और गाँव का गुड़ खा लो, बेहतर है बराबर है। अच्छा तो आपने गुड़ डिसाइड किया कि गुड़ यहीं से ले लूँगा आप? हाँ अच्छा लगा मेरे को, और डायबिटीज का भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई खतरा नहीं है। और ये देखिए भाई ये जो सामने दिख रहे हो आप ये गन्ने खड़े हैं और वहाँ से काट के ला के यहाँ पर गुड़ तैयार किया जाता है, और ये रहे गन्ने यहाँ पे, ये देखिए ये पड़े हैं पूरा सारा गन्ने ही गन्ने हैं, इनसे ही गुड़ तैयार किया जाता है। चीनी गुड़ शक्कर खांड सब इनसे तैयार की जाती है, आपने मार्केट में भी देखा होगा। ये देखिए ये रहे गन्ने, ये काट काट के रखे जाते हैं सामने आपको देख रहे ये दिख रहे होंगे। देखो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये सामने आपको गन्ने खड़े हुए दिख रहे हैं, ये वहाँ से काट के ला के रहे और यहाँ पे रखे जाते हैं फिर गुड़ तैयार किया जाता है। ये पूरा एरिया हर जगह गन्ने ही गन्ना दिखेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर गन्ने का ही पैदावार है और गन्ने ही तैयार गन्ने से गुड़ तैयार किया जाता है, यहाँ का ज़्यादातर यही काम होता है। और ये है गन्ने के छिलके जिससे रस पकाया जाता है भट्टी के अंदर गिर के, ये भाई से भरते हैं। ये देखिए